आने दीजिए, किनारे होइए भाई, उन्हीं को आने दो, वही आ जाएंगे। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, सोपति केशाय कुंडली काक्षपदम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तोपनामनवाहतुरचतुतो विश्वेन देवा अवसागमान्यावकं गणेवे गुरुयामदेवा भद्रं पक्षेमाचुरिजत्रादितेरैरङ्ग सुष्टुवा पूर्वांचल छठ पूजा विकास समिति के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन था। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। छठ पूजा आज बिहार और पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया का उत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी उन स्थानों पर जहाँ छठ पूजा के आयोजन होते हैं वहाँ सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं। और संगम तट चूँकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो या निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार की है कि कल 10 तारीख को छठ पूजा के लिए अवकाश भी दिया जाए। आप सबको और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रयाग और प्रदेश और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान सूर्यदेव के चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियाँ जिसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने का। दिल्ली में यमुना नदी में बहुत प्रदूषण है, महिलाएं जो है वो गंदगी के बीच में पहुंच करके पूजा कर रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल में यमुना जी को स्वच्छ कर। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी और हरियाणा से ये गंदगी आ रही है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। श्री अरविंद केजरीवाल एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री, जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तूखा थू, अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है तो निश्चित तौर से वह एक तरह से छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए जो हमारी माताएं बहनें आज अनुष्ठान कर रही हैं उनके अनुष्ठान को बाधित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से होकर के भी यमुना जी भी जाती हैं, सभी नदियाँ जाती हैं, सभी ऐसे स्थान हैं, हम लोगों ने यहाँ सभी जरूरी प्रबंध किए हैं, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाला ही मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, तो उनसे तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। दिव्य कुंभ की तरह अब छठ का पर्व भी जो है वो दिव्य और नहीं, निश्चित तौर से छठ का पर्व दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा है और अच्छा हो। हर मतलब हमारे पर्व जो हैं वह बहुत अच्छे तरीके से सम्पन्न हो रहे हैं और सम्पन्न होंगे और सरकार की ओर से सभी पर्वों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए, सभी चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो सरकार की ओर से वह भी हम लोग कर रहे हैं और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था करनी हो, पुलिस व्यवस्था करनी हो। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने एक बयान दिया था विवादित है वो काफी कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना।